मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे वक्री ग्रहों की। अक्सर आपने अपनी कुंडली में देखा होगा कि कुछ ग्रहों के सामने वक्री लिखा होता है। आखिर ये वक्री ग्रह होते क्या हैं और अलग अलग ग्रह जब वक्री हो जाते हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, आज इसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वक्री ग्रह आखिर होते क्या हैं। देखिए, ग्रहों की तमाम तरह की स्थितियां होती हैं और ये ग्रहों की गति के आधार पर भी होती है, स्पीड के आधार पर भी होती है, क्योंकि ग्रह चलते रहते हैं तो चलने के आधार पर, स्पीड के आधार पर ग्रह तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मार्गी, जो अपने रास्ते पर सामान्य तरीके से चल रहे हैं। एक होते हैं वक्री, जो उल्टे चल रहे हैं। और एक होते हैं अतिचारी, जो बहुत तेजी से चल रहे हैं। ग्रह जब सामान्य गति से भ्रमण करता है तो उसको मार्गी कहते हैं, जब तेजी से चलने लगता है तो इसको अतिचारी कहते हैं, और जब इसी तेजी में वो पीछे की ओर चलता हुआ दिखाई देता है तो उसको वक्री कहा जाता है। वास्तव में ग्रह कभी पीछे नहीं जाता, उल्टा नहीं होता, बल्कि उनकी गति की वजह से ऐसा आभास होता है कि ग्रह पीछे की ओर जा रहा है। इसी आभास को ग्रहों का वक्री होना कहते हैं। इसी आभास को कहा जाता है कि ग्रह उल्टे हो गए हैं या ग्रह वक्री चल रहे हैं। अब ये जानते हैं कि जब कोई ग्रह वक्री होता है या रेट्रोग्रेड होता है तो उसके परिणाम क्या होते हैं। देखिए, ग्रहों के वक्री होने से उनके परिणाम निश्चित रूप से बदल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्रहों के वक्री होने से उनके परिणाम उल्टे हो जाते हैं, जबकि ऐसा होता ये है, होना ये है कि ग्रह जब वक्री हो जाता है तो दो भावों को, दो खानों को प्रभावित करने लगता है और उसकी दृष्टि काफी सारे खानों पर पड़ने लगती है। इसलिए ग्रह वक्री होकर के बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, जबकि राहु और केतु हमेशा वक्री बने रहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अगर मंगल वक्री हो जाए तो उसका प्रभाव क्या होता है। अगर मंगल वक्री हो तो व्यक्ति बहुत साहसी और बहुत उदार होता है। ऐसे लोग अच्छे सर्जन हो सकते हैं। अगर खराब ग्रहों का प्रभाव मंगल के ऊपर हो और मंगल वक्री हो तो व्यक्ति अपराध की तरफ चला जाता है। अगर वक्री मंगल की वजह से दिक्कत हो रही है तो ऐसी दशा में मंगलवार का अगर आप उपवास रखें तो आपके लिए शुभ होगा। अब ये जान लेते हैं कि अगर कुंडली में बुध वक्री है, बुध वक्रत्व में है, तो इसका प्रभाव क्या है। अगर आपका बुध वक्री है तो इसका मतलब कि आप बहुत चालाक हैं। ऐसे लोग किसी भी प्रकार से धन कमाना चाहते भी हैं और जानते भी हैं। अगर खराब ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसी दशा में व्यक्ति स्वार्थी और दरिद्र हो जाता है। अगर बुध खराब भी हो, वक्री भी हो, तो आप दरिद्र हो सकते हैं। अगर कुंडली में वक्री बुध की वजह से समस्या हो रही है तो बुधवार को हरी चीजों का दान करना शुभ होगा। जानते हैं वक्री बृहस्पति का प्रभाव क्या है। वक्री बृहस्पति व्यक्ति को आध्यात्मिक और ज्ञानी दोनों बनाता है। इसके कारण व्यक्ति नीचे से काफी ऊंचाई तक पहुंच जाता है, लेकिन इसके कारण शुरुआत में व्यक्ति को काफी संघर्ष भी करना पड़ता है। अगर वक्री बृहस्पति का दुष्प्रभाव है तो भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए अचूक होगा। इसके दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे। अब मान लिया कि आपकी कुंडली में शुक्र वक्री है तो वक्री शुक्र का प्रभाव क्या है। अगर कुंडली में शुक्र वक्री है तो व्यक्ति बहुत आकर्षक और बड़ा खूबसूरत होता है और इसकी वजह से व्यक्ति अक्सर ग्लैमर के क्षेत्र में पहुंच जाता है। लेकिन वक्री शुक्र की वजह से चरित्र भी कभी कभी कमजोर होता है।
व्यक्ति को जीवन में सही साथी नहीं मिल पाता। अगर शुक्र वक्री हो और इसके प्रभाव बुरे हों तो सूर्य की उपासना करना लाभकारी होता है, सूर्य देव को जल चढ़ाने से लाभ होता है। अगर वक्री शनि की बात करें, वक्री शनि का प्रभाव क्या है? वक्री शनि व्यक्ति को या तो राजा बनाता है या रंक यानी दरिद्र बना देता है। अगर यह कुंडली में है तो व्यक्ति के ऊपर उसके पूर्व जन्मों का प्रभाव जरूर होता है, और कभी कभी ऐसे लोग जन्म से ही विशेष हो जाते हैं, विलक्षण दिखाई देते हैं। अगर वक्री शनि का दुष्प्रभाव है आपके ऊपर तो पीपल का जितना भी पौधा आप लगवा सकें उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा।